खबर है भदोही से। दुनिया भर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में सतर्क, सुरक्षित और सावधान रहने का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी कोविड महामारी से बचने और बचाने को लेकर तेजी से कमर कसना शुरू कर दिया है, जिसकी बानगी भदोही जनपद में देखने को मिली। यहां मिर्जापुर मंडल में चिकित्सा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने मार्क ड्रिल कर निरीक्षण किया। शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी ने कोरोना संबंधित सभी पहलुओं का सावधानी से निर्देश दिया। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। डॉक्टर ओपी सिंह हूँ, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ विंध्याचल मंडल मिर्जापुर से हूँ। मुझे स्टेट ने आज के लिए नोडल अधिकारी बनाकर भेजा है कि कोविड से जुड़े हुए अस्पताल जो हैं, L2 हैं, मुख्य अस्पताल है, उसका प्रिपेयरनेस कैसा है, वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, उसका आकलन करे। तो मैंने चीज़ों को देखा है। उन चीज़ों में मेन चीज़ आती है कि वेंटिलेटर हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनसे कर्सन जितनी पाइपलाइन वगैरह हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं है, अपनी वर्किंग कंडीशन में हैं कि नहीं है, हमारे ICU बेड्स जो हैं वो फंक्शनल हैं कि नहीं है, मॉनिटर्स हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हमको दिए गए हैं उनमें ऑक्सीजन बढ़ाने की क्षमता है कि नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों को हमने देखा है। इससे जुड़े हुए इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह जो वहाँ पर होनी चाहिए वो उपलब्ध हैं कि नहीं है, उससे जुड़े हुए जो फार्मासिस्ट स्टाफ नर्स जो काम करते हैं वो अपनी जगह पर तैनात हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी कार्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इस चीज़ का आकलन हमें करना था, उस चीज़ का हमने आकलन किया है और तकरीबन 90% से ऊपर चीज़ें जो है सही पाई गई। जो थोड़ा बहुत चीज़ें कमी है उसको सुधार करने की प्रक्रिया में हमने CMS महाराजा बलवंत सिंह जी को निर्देशित कर दिया है और उन चीज़ों को जल्दी करेक्ट करा देंगे और सरकार की मंशा के अनुसार L2 कोविड हॉस्पिटल को संचालित करेंगे।